जो 422 स्क्वायर किलोमीटर केवल इंडस्ट्रीज होगा। ये जितना भी प्रीमियम प्लॉट ले सकते हैं हमारे दर्शक है उनको यही कहेंगे कि ढोलेरा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एक बार ढोलेरा को गूगल में सर्च कर लीजिए। ढोलेरा स्मार्ट सिटी पीएम मोदी का एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सपना था अब ये सपना साकार होने जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि ढोलेरा स्मार्ट सिटी की शुरुआत तो गुजरात के एक शहर से हुई थी, लेकिन अब इसका विस्तार जो है भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने जा रहा है। और अब भारत के कोने कोने से और विदेशों से कई लोग इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिहार पटना के एएस प्रॉपर्टीज के ऑफिस में, और इसके बारे में खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एएस प्रॉपर्टीज के ओनर अजय कुमार जी। पहले तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू मैम, आपको भी। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ढोलेरा प्रोजेक्ट सिटी है क्या और इसके बारे में क्या कुछ खास बातें हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करना चाहते हैं। मैम, ये ढोलेरा जो स्मार्ट सिटी जो है ये इंडिया का पहला ग्रीन स्मार्ट सिटी है, जो 920 स्क्वायर किलोमीटर में दिल्ली से डबल है, शंघाई से 6 गुना। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है और रियल में ये इसको पूरे तैयारी में 6 फेज में इसको स्टार्ट करना हुआ, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं काफ़ी बहुत बड़ा है ये। सर, आपने तो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, लेकिन हम अब जानना चाहेंगे कि एस प्रॉपर्टीज़ इसमें अपने आप को किस तरीके से विस्तार कर रहा है। हम जमीन प्लॉट वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है प्लॉट बेचने का, तो वो केवल अभी जितना रेजिडेंशियल ये सब भी जमीन ही बेचते हैं, तो जमीन हम बेच रहे हैं और बात की। तो अब आगे की क्या रणनीति है इस प्रॉपर्टीज़ को और किस तरीके से आगे बढ़ाना है? अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन आगे अपने इसको सोच के रखा होगा कि इस रणनीति के तहत आप इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जा रहे हैं। जी हाँ, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लेना, जैसे ये इंडस्ट्रियल लैंड इस साल अभी स्टार्ट किए हैं और रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इस तरह का है हमारे। इसके लिए इसमें सिर्फ कॉमर्शियल प्लॉट ही है या फिर रेसिडेंशियल ले सकती है, कॉमर्शियल ले सकती है, इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज जो 422 स्क्वायर किलोमीटर केवल इंडस्ट्रीज होगा ये, जैसे हर वर्ग के लोगों को अब ये बहुत सस्ते रेट में। सर, हम प्राइसेस के बारे में जानना चाहेंगे कि कितने रुपए से इसकी प्लॉट की शुरुआत है? मतलब 650 रुपए से स्टार्ट है। 650 से स्टार्ट है पर स्क्वायर फीट से, 650 रुपए पर स्क्वायर फीट से। जितना बड़ा प्लॉट का साइज ले सकती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल ले लीजिए, इंडस्ट्रियल ले लीजिए या कॉमर्शियल लीजिए। सर, आपने सर प्राइसेस की तो बात कर दी, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ग्राहकों के लिए कहीं ना कहीं विश्वास काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो एस प्रॉपर्टीज़ पे लोग किस तरीके से विश्वास करें, उनके विश्वास के लिए क्या कुछ एस प्रॉपर्टीज़ के द्वारा खास किया जा रहा है? 2-3 साल से काम कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमारे जो कस्टमर रहेंगे ये उनसे ही पूछ लीजिएगा कि हमारा क्या है उसमें ये है। दूसरा चीज़ है कि हम उसका डीड है जो जो जिनको ट्रांसफ़र हुआ है, जो ज़मीन रजिस्ट्री कराए हैं, उनका फीडबैक से ही पता चलेगा। बाद बाकी जो है हमारे कस्टमर जो हैं आकर के, जो नए कस्टमर हैं वो हमारे ऑफिस में आकर के बाकी चेक कर सकते हैं, जो लीगल चीज चेक कर। बात अपने ऑफिस की तो मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपसे कांटेक्ट करने के लिए लोग किस तरीके से कांटेक्ट करें? गूगल में अगर ढोलेरा को सर्च करना है तो गूगल में जाएं, गूगल में सर्च करें ढोलेरा SIR देखें, और बाकी हमारी कंपनी के यहाँ जहाँ तक बात है देखने का, तो एस प्रॉपर्टी पटना देख लें। सर, पटना और कांटेक्ट वगैरह करना हो और अधिक जानकारी लेनी हो? मेरा ऑफिस है रवि मार्केट में, मजिस्ट्रेट कॉलोनी रवि मार्केट, शेखर सुपर मार्केट के नीचे में है, शॉप नंबर 6 है, हमारा ऑफिस नंबर 6 है। एस प्रॉपर्टीज का अपना कोई वेबसाइट है जहां पर लोग विजिट कर सकते हैं और जान सकते हैं? हाँ, asproperty.co.in आप फ्लैश कर दीजिएगा इस चीज पे मैं, और मेरा नंबर भी आप ये कर दीजिएगा। जी, मैं स्क्रीन पे इनका नंबर और ऑफिस का जो भी डिटेलिंग है हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ भी हम जानना चाहेंगे कि सर, बात फ्लैट की या फिर जब प्रॉपर्टीज़ की आती है तो मैं मिनिमम प्राइसेस क्या होंगे हमारे ग्राहकों के लिए जो ज़्यादा उन्हें आकर्षक करे इस प्लॉट के? बताया मैम कि 400 रुपया से लेकर के 700-800 रुपया तक जितना भी प्रीमियम प्लॉट ले सकते हैं। अब रहा साइज का बात है तो उसका कुछ पैरामीटर है, बाकी उसी समय डिस्कस कर लेंगे। बहुत कम पैसे में पूरे भारत में इतना सस्ता ज़मीन नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो
तो लोगों को अब गुजरात और वाइड मतलब काफी बड़ा है अपॉर्चुनिटी है जो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अगर वहाँ ढोलेरा में करते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि आप विदेश में, आप दुबई में, बॉम्बे में घर जमीन बहुत कम पैसे में आप ले रही है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट कब तक कम्प्लीट हो जाएगा और हमारे जितने भी लोग हैं इसकी सौगात का लाभ उठा सकते हैं। ये ढोलेरा में जो 920 के स्क्वायर किलोमीटर में जो शहर है इसको 6 फेज में तैयार करना है, पहला चीज़ है। दूसरा है कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, मतलब जो हमारा लैंड है, वो पूरे 2020 तक यानी TP2 ईस्ट वेस्ट में जो है हमारा ज़मीन, जितना भी ज़मीन है हमारा, वो 2020 में कंप्लीट होना था। कोविड के वजह से वो डीले है, तो सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है। तो हमारे जितने भी कस्टमर जो भी अभी नए लेने वाले या पुराने जो लिए हुए हैं, सबके लिए ये बेनिफिशियल है। तो मेरे से जो भी खरीदेंगे उनका उसको भरपूर लाभ मिलने वाला है। ये पहला प्रोजेक्ट मेरा तैयार होने वाला है जो ढोलेरा में सबसे पहला होगा। कब तक कयास लगाए जा सकते हैं इसको? अगर हम लोग ये मान करके चले कि 2-3 साल और चलेगा, 2-3 साल में यानी हम लोग 25, बहुत सा ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे एयरपोर्ट का जो है जो 24 में कंप्लीट कर देना है, 250 मीटर का एक्सप्रेस हाईवे है जो 24 में रेडी हो जाना है, इसी तरीके से 25 का 25 तक मान करके इसको डेडलाइन मान करके चले 25 से 26 तक का। आप भी ये तमाम प्रोजेक्ट के लाभ बहुत जल्द ही उठा सकते हैं। स्मार्ट सिटी की चाह तो हर लोगों में होती है और स्मार्ट सिटी बन भी रहा है और स्मार्ट लोग हो भी रहे हैं, लेकिन सर बात करें आप ढोलेरा की तो हम ये जानना चाहेंगे कि लोग स्मार्ट सिटी के लिए ढोलेरा को ही क्यों चुने? इस वजह से मैम कि वहाँ पे काफ़ी सस्ता ज़मीन है और जैसे कहीं भी जो भी कोई भी आदमी पटना में जो बहुत पहले से ज़मीन लिया था वो अपॉर्चुनिटी है, बहुत 400-500 रुपये स्क्वायर फीट से ज़मीन स्टार्ट होता है और मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ स्कोप हो तो इस वजह से वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए हम आपको बता दें कि इस प्रॉपर्टीज़ की तो तमाम जानकारियाँ हमने आपको दे दी, लेकिन अब जितने भी लोग हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं हम उनको भी बताना चाहेंगे कि बहुत कम और सस्ते दामों में एक अच्छी फ्लैट और प्लॉट अगर आप चाहते हैं तो आप इस प्रॉपर्टी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर हमारे दर्शकों से आप क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? मेरा तो सबसे आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, उनको यही कहेंगे कि ढोलेरा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चे का भविष्य के लिए। ये तमाम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, जितना हम बोले वो बहुत कम है, इतना बड़ा चीज़ है। और मेरा सबसे अपील है कि एक बार ढोलेरा को गूगल में सर्च कर लीजिए। रहा बात हमारी प्रॉपर्टी के बारे में जानने का, एस प्रॉपर्टी पटना लिख लीजिए, शायद कहीं मिल जाए, वो दिखेगा आपको। बाद बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर और मेरा वेबसाइट आप इस पे डालिएगा। इतना सस्ता में ज़मीन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हमारे पूरा कभी आप हमारे क्लाइंट से भी आप ये मिल लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो बता देंगे आपको। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि अगर आप अपना घर चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, तो एक बार आप इस प्रॉपर्टीज़ पर विजिट जरूर करें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट और वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल TD न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।